बाजार से खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। 20 लीटर मूत्र ले लो किसी भी जानवर का, गाय का हो, बैल का हो, भैंस का हो, किसी का भी हो। अब इस 20 लीटर मूत्र में 2 से 2.5 किलो नीम के पत्ते पीस के डाल दो। नीम तो है, सब गांव में है, नीम की निम्बोली भी आती है, तो निम्बोली पीस के डाल दो, नहीं तो नीम के 2.5-3 किलो पत्ते पीस के डाल दो। फिर एक सीताफल का पेड़ होता है, देखा है, उसके पत्ते पीस के डाल दो 2-2.5 किलो। फिर एक पेड़ होता है, उसको आंकड़ा कहते हैं, कहीं कहीं आक कहते हैं, कहीं आंकड़ा कहते हैं, उसको अकौआ भी कहते हैं, तो उसका 2.5-3 किलो पत्ता पीस के डाल दो। फिर और एक पेड़ होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेशरम, आप पता नहीं क्या कहते हैं, ये कैसा होता है मैं बताता हूं। बेशरम कहते हैं, समझते हैं, बहुत अच्छा। पान के जैसा पत्ता होता है, बिना बीज के होता है, बिना पानी के, इसलिए बेशरम कहते हैं उसको, हर गांव में होता है। तो 2.5-3 किलो बेशरम के पत्ते ले लो, 2-2.5 किलो नीम के पत्ते ले लो, 2.5-3 किलो इसके पत्ते ले लो सीताफल के, और 2.5-3 किलो आंकड़े के पत्ते ले लो, और इसमें 1/2-1.5 किलो तंबाकू पीस के डाल दो, और इसको खूब उबालो गोमूत्र में। उबालते समय इसमें एक काम और कर सकते हैं, 1/2 किलो लहसुन पीस के डाल दो, 1/2 किलो खूब तीखी मिर्च पीस के डाल दो, और उबाल के इसको ठंडा कर लो। ठंडा करके इसको छान लो। अब जो घोल बन गया है इसमें 200 लीटर पानी मिला दो, और ये 1 एकड़ फसल को किसी भी तरीके से सुरक्षित रख सकता है, और इसको स्प्रे कर दो खेत में, तैयार हो गए। अब इस दवा को जब छिड़कना है तब छिड़क लो, बना के रखना है तो बना के रख लो। एक एक साल, दो दो साल ये दवा खराब नहीं होती, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसकी एक्सपायरी डेट हो। तो कीटनाशक दवा बना लिया,